दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले 2 लाख से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना से मौत 8,200 से ज्यादा। दुनिया भर में कोरोना से प्रभावित देश 160 से ज्यादा। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना वायरस किस कदर पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, कैसे इंसानों की जान का प्यासा बन गया है। लेकिन जिस देश में चीन के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हुई है, जिस देश की 6 करोड़ से ज्यादा आबादी घरों में बंद है, जहां खौफ के साए में जीने को लोग मजबूर हैं, वहीं से आई है जिंदा दिल्ली की तस्वीरें। वहीं से जोश बढ़ाने वाला वीडियो दुनिया के सामने आया है। निराशा और दहशत के बीच हौसला बढ़ाने के लिए रोम के टाउन हॉल को इटली के झंडे के रंग से जगमग कर दिया गया। एकजुटता दिखाने के लिए लोगों में देशभक्ति की भावना भर गई। ऐसी ही झलक कुछ दिन पहले भी देखने को मिली थी, जब हवा में करतब करते हुए प्लेन ने लोगों का दिल जीत लिया था। इसके बाद इवांका ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट को भी रीट्वीट किया, जिसमें ट्रंप ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि अमेरिका इटली को प्यार करता है। जिंदा दिल्ली की फहरिस्त लंबी है। इटली से कुछ और भी वीडियो सामने आए, जिनमें साफ दिख रहा है कि लोग जिंदगी भरपूर तरीके से जी रहे हैं। लोगों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। रोम, मिलान और सिसिली से लोगों के खुश मिजाज जीने वाले वीडियो बताने के लिए काफी हैं कि इंसान गमों में भी खुशी के पल निकाल लेता है। कोरोना वायरस के दहशत के बीच इस वीडियो में लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि ये लोग किसी लॉन में नहीं बल्कि खिड़कियों से टेनिस खेलते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में 2 लोग अपनी अपनी खिड़कियों से टेनिस खेल रहे हैं। कोरोना के खौफ के सन्नाटे को म्यूजिक के जरिए तोड़ा जा रहा है। ये इटली के सिसिली शहर की तस्वीरें हैं, जहां बालकनी से बाहर आकर कुछ लोग एक साथ गाना गाने लगे। कोई गिटार बजा रहा है तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। हौसला बढ़ाते वक्त लोग गिटार, बांसुरी, ढपली और दूसरे वाद्य यंत्र बजाते देखे गए। ऐसा लग रहा है कि मानो इटली के लोग गमों को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहते हैं। गम के बीच म्यूजिक के जरिए जिंदगी में आशा की तरंग पैदा की जा रही है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से लोग खौफजदा हैं। कोई मुल्क नहीं, कोई नेता नहीं, कोई सरकार नहीं जो कोरोना के खतरे से चिंतित ना हो। इसी खतरे को भांपते हुए पीएम मोदी ने सबसे पहले सार्क देशों की बैठक में हौसला अफजाई की। प्रिपेयर बट डू नॉट पैनिक हैज बीन आवर गाइडिंग मंत्र। We were careful to not underestimate the problem, but also to avoid knee-jerk reactions. We have tried to take proactive steps, including a graded response mechanism. PM Modi ki is pehal ki duniya ne tarif ki. दुनिया ने उन्हें ग्लोबल लीडर बताया। सार्क देशों में दुनिया की पूरी आबादी का 1/5 हिस्सा रहता है, जहां कोरोना के वायरस के मरीजों की तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लिहाजा ऐसे में इटली से जिंदा दिल्ली की आई तस्वीरें काफी कुछ सिखाती हैं और बताती हैं कि जिंदगी लौटेगी दोबारा।